नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋषि सिंह। आज हजारों भक्तों के जयकारों के साथ बाबा केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं। ग्रीष्मकाल के लिए कपाट सुबह 6:25 पर खोल दिए गए हैं। 6 महीने के इंतजार के बाद आज बाबा केदारनाथ के भक्तों की मुराद पूरी हो गई। सीएम धामी ने पूजा अर्चना करके बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लिया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा की गई। इंतजार के बाद आज बाबा केदारनाथ के कपाट खुल गए 6:25 पर। और इस बार सबसे खास बात यह है कि केदारनाथ का लाइव प्रसारण पीएमओ में देखा जाएगा। प्रधानमंत्री खुद लाइव प्रसारण देखेंगे। इसके लिए बकायदा जगह जगह पर कैमरे लगाए गए हैं हाईटेक, ताकि सीधा प्रसारण देखा जा सके। प्रधानमंत्री का काफी लगाव है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के नाम से केदारनाथ में पहली पूजा भी की गई और इस पूजा में सीएम धामी भी मौजूद रहे। उन्होंने जब कपाट खुले उस दौरान पूजा अर्चना की सबसे पहले और देश प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। ये देखिए, भक्तों की भीड़ बता रही है कि लोग कितनी संख्या में उत्साहित हैं यहाँ पर आने के लिए। और अब तो तय भी कर दिया गया है चारों धाम यात्रा में, जो चार धाम है वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या तय कर दी गई है कि आखिर एक दिन में कितने श्रद्धालु दर्शन करेंगे, चाहे वो केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, वहां पर तय कर दी गई है संख्या। तो ये जो भीड़ है ये पहले दिन की भीड़ है और लगातार ये उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना के करीब 2-2.5 साल के बाद जब ये यात्रा शुरू हुई है तो उसके बाद यहाँ पर तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ेगी, इसका फायदा भी होगा। बहरहाल इन सबके बीच तमाम जो भक्त हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं। सुरक्षा के वहां पर तमाम इंतजाम किए गए हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के खास इंतजाम किए हैं। लगातार तैयारियों में शासन प्रशासन लगा हुआ था कि केदारनाथ की जब यात्रा शुरू होगी तो वहां पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पहले दिन वहां पर जब कपाट खुले सुबह सुबह तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की पूजा की गई और इस खास मौके पर सीएम धामी भी मौजूद रहे। उन्होंने पूजा अर्चना की। बेहद खूबसूरत तरीके से बाबा केदारनाथ के दर को सजाया गया है और जरा आप तस्वीरें ये देखिए, दूर दूर से भक्त पहुंचे हैं, अपार जन सैलाब है और लोग खुश हैं कि आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद चारधाम यात्रा में उन्हें मौका मिला पहले दर्शन करने का, क्योंकि आज कपाट खुले सुबह सुबह पहले दर्शन किए हैं और अब इसके बाद 6 महीने तक केदारनाथ की यात्रा कपाट ऐसे ही खुले रहेंगे, यानी भक्त दूर दूर से आके दर्शन कर सकते हैं। तो आज केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। और अब सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी में चल रही गतिरोध को लेकर खफा रहे हैं वो। ज्योत सिंह बिष्ट ने सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा भी लिखी है। पार्टी के सभी दायित्व और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। नाराज चल रहे थे काफी वक्त से, आलाकमान को लेकर शिकायतें भी कर चुके हैं, लेकिन लगता है कि उनकी शिकायतों का निवारण नहीं हो पाया, इसीलिए उन्होंने पार्टी के सभी दायित्व और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया पर भी उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। तो ज्योत सिंह बिष्ट सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे, एक वरिष्ठ नेता जब पार्टी छोड़ता है तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। इतने वक्त से वो कांग्रेस से जुड़े रहे, कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे, एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली, लेकिन जिस तरीके से हार मिली, हार के बाद चाहे वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हो या फिर
अध्यक्ष की कुर्सी और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की, उस पर जिस तरीके से दो लोगों को विराजमान किया गया, उसके बाद से लगातार कहा जा रहा था कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिश्न समय समय पर अपनी पीड़ा बताते रहे हैं, खुलकर मीडिया में अपनी बातें रखते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब सीधे उन्होंने पार्टी से नाता ही तोड़ लिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिश्न ने इस्तीफा दे दिया है, पार्टी में चल रही गतिरोध को लेकर खफा है। ज्योत सिंह बिष्ट ने सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा भी लिखी, पार्टी के सभी दायित्व और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी तक उनके इस्तीफा देने की खबर के बाद कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, ना ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा की तरफ से और ना ही अन्य लोगों की तरफ से। तो क्या माना जाए, क्या कांग्रेस में अभी भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का मान संभालने के बाद ये कहा गया कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। इसके पहले प्रीतम सिंह की खबरें आई कि वो नाराज चल रहे हैं, लेकिन उन बातों का खंडन उन्होंने खुद कर दिया था। और अब ज्योत सिंह बिष्ट ने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से और पार्टी के सभी दायित्वों से। वो उपाध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे थे, कई अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे थे, लेकिन पार्टी में जो गतिरोध चल रहा है उससे वो खफा चल रहे थे। कई बार मीडिया में अपना दर्द वो बयां कर चुके हैं, आलाकमान तक भी पहुंचाया, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो शायद यही वजह रही कि ज्योत सिंह बिष्ट ने सोशल मीडिया में ही अपनी पीड़ा व्यक्त की और पार्टी के सभी दायित्व और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने इस्तीफा दे दिया है, पार्टी में चल रही गतिरोध को लेकर खफा चल रहे हैं। ज्योत सिंह बिष्ट ने सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा भी लिखी है। और अब उधम सिंह नगर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, बाजपुर के पिपलिया में गोलीकांड का ये मामला जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव ने सरेंडर कर दिया है, अविनाश शर्मा और नीरज सोरी ने सरेंडर कर दिया है। गोलीकांड मामले में काफी दिनों से फरार चल रहे थे, जमीन के विवाद में फायरिंग हुई थी, गोलीकांड में एक शख्स की मौत भी हो गई थी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव ने सरेंडर कर दिया है, अविनाश शर्मा और नीरज सोनी ने सरेंडर कर दिया है। गोलीकांड में एक शख्स की मौत भी हुई थी, गोलीकांड मामले में काफी दिनों से ये दोनों ही लोग फरार चल रहे थे और उसके बाद सरेंडर कर दिया है। जमीन के विवाद में फायरिंग हुई थी और इस फायरिंग में एक शख्स की मौत भी हो गई थी। लगातार पुलिस खोजबीन कर रही थी, लेकिन पुलिस खोज पाती उसके पहले ही सरेंडर कर दिया इन दोनों ही लोगों ने। उधम सिंह नगर से हमारे संवाददाता भरत शाह जुड़ गए हैं। भरत, कब सरेंडर किया है? देखिए रजनी, आज सुबह की घटना है, लगभग एक घंटा हो चुका है, और जो कांग्रेस के प्रदेश सचिव रहे हैं पूर्व में अविनाश शर्मा और उधम सिंह नगर कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी रहे हैं इन्होंने, अब और एक नीरज सोनी आरोपी हैं, इन्होंने अपने अधिवक्ताओं के साथ जो दोहरा चौकी है वहां पर सरेंडर कर दिया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। ये मैं आपको मामला बताना चाहूंगा, 10 दिन पहले पिपलिया जो ग्राम है वहां पर जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग हो गई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख घायल हो गए थे। इस मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच में राजनीति काफी चल रही थी, लेकिन पुलिस के दबाव के चलते जो अविनाश शर्मा है कांग्रेस के प्रदेश सचिव पूर्व, इन्होंने अधिवक्ताओं की मौजूदगी में सरेंडर कर दिया। तो भरत शाह, सरेंडर कर दिया है, आगे क्या कुछ कार्रवाई चल रही है पुलिस की तरफ से? देखिए, काफी देर, लगभग 10 दिन से फरार चल रहे थे जिसमें नामजद थे और मुख्य आरोपी थे, पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और जो हथियार से फायरिंग हुई है उसको बरामद करने की पुलिस द्वारा कोशिश भी की जा सकती है, इस तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस से जुड़े हुए थे इसको लेकर प्रतिपक्ष नेता यशपाल आर्य ने भी बयान दिया था कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और कांग्रेस नेता को फंसाने की कोशिश कर रही है, तो इस तरह से कहा सकता है कि पुलिस हालांकि इनको गिरफ्तार नहीं कर पाई और दोनों जो आरोपी थे उनको उन्होंने अधिवक्ताओं की मौजूदगी में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। जी भरत शाह, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सियासी नजरिए से भी देखा जा रहा है, हालांकि पुलिस की गिरफ्तारी के पहले ही इन दोनों ने अपने वकीलों के साथ जाकर सरेंडर कर दिया है।
नैनीताल के घोड़ाखाल स्थित गोलजू संदेश यात्रा के समापन में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड के बाद अब यात्रा दोबारा शुरू हो रही है और वो भोलेनाथ और गोलजू से प्रदेश के लिए सुख शांति की प्रार्थना करने पहुंचे हैं। सीएम ने उपचुनाव को लेकर कहा कि गोलजू भगवान की भूमि चंपावत में है और उन्होंने वहाँ सेवा के लिए बुलाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज केदारनाथ मंदिर के दर्शन के बाद नैनीताल के घोड़ाखाल मंदिर भी पहुंचे, जहां उन्होंने गोलजू संदेश यात्रा के समापन में शिरकत की। बाबा केदार की कृपा से आज बाबा केदार के कपाट खुले और आज गोलजू की जो यात्रा निकाली थी उस यात्रा का भी आज यहाँ पर समापन हो रहा है। तो इस वर्ष जो है 2 वर्षों के बाद हमारे यहाँ पर जो यात्रा है, यात्री है, श्रद्धालु है, पर्यटक है, वो बड़ी संख्या में इस बार उत्तराखंड आ रहे हैं। हम गोलजू से प्रार्थना करते हैं, बाबा केदार से प्रार्थना करते हैं, सभी यात्री यहाँ पर आएँ, सकुशल आएँ, सकुशल जाएँ, सबकी यात्रा सुगम हो, सरल हो और सभी स्वस्थ रहें, उत्तराखंड राज्य हमारा आगे बढ़े। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर गरीबों के राशन में बिल्कुल भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गरीबों का राशन डकारने वाली फर्जी और अपात्र कार्ड धारकों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही उनसे अब तक लिए गए राशन की रिकवरी करने की भी तैयारी हो रही है। रेखा आर्य ने कहा कि फर्जी राशन कार्ड लेने वालों और कार्ड धारकों को कार्ड सरेंडर करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी गई है। कार्ड धारकों पर शिकंजा कसने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा, जिस पर अपात्र कार्ड धारकों के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। इसकी सूचना विभाग गोपनीय रखेगा। समय में एक हम टोल फ्री नंबर हम लोग देने वाले हैं, जिस पर शिकायतकर्ता शिकायत करेगा और ये बताएगा कि अपात्र व्यक्ति कौन है और उस व्यक्ति का जो भी उसका एड्रेस है इत्यादि हमको भेजेगा। विभाग उसका परीक्षण करेगा और परीक्षण करने के बाद में यदि उसकी बात सही पाई गई तो निश्चित रूप से उसका कार्ड जो है निरस्त किया जाएगा और पात्र व्यक्ति का कार्ड बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ में 31 मई तक का हमने समय दिया है कि लोग स्वयं ही, अपात्र व्यक्ति स्वयं ही जो है कार्ड को सरेंडर कर दे, अन्यथा यदि वो समय के बाद में सरेंडर करेगा तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध खाद्य अधिनियम के तहत में एफआईआर दर्ज करने से लेकर और गरीब व्यक्ति का राशन जितने समय तक उसने खाया होगा वो सब वसूलने का काम हम बकायदा करेंगे। तो इसलिए जो है एक ये आगाह भी है आने क्या कुछ कहा मंत्री ने, साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी ने डकारा है गरीबों का राशन 31 मई तक सरेंडर कर दें अपात्र, जितने भी कार्ड धारक हैं ऐसा नहीं करते हैं, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी और जितने वक्त तक उन्होंने गरीबों का राशन लिया है पूरी वसूली की जाएगी। हल्द्वानी से हमारे संवाददाता अमित चौधरी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमित, अब अपात्र राशन कार्ड धारकों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या का साफ तौर से बयान आया है कि जो एपीएल और बीपीएल के जो कार्ड धारक है और जो लगातार धांधली की खबरें आ रही थी उस पर कहीं ना कहीं अब सख्ती बरताते हुए उन्होंने साफ तौर से यहाँ बयान दिया है कि यहाँ पर 31 मई तक जिन खाता धारक जो यहाँ पर कार्ड धारक है जो गलत तरीके से कार्ड बनाए हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर वो कार्ड जमा करा दें, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी और एक टोल फ्री नंबर भी कहीं ना कहीं जारी किया जाएगा जिस पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है और पूरी तरीके से जो इस तरीके के लाभ ले रहे हैं जो पात्र नहीं है उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होना यहाँ पर निश्चित बताया जा रहा है। तो अमित, अभी तक कोई आंकड़ा है सरकार के पास कि कितने ऐसे फर्जी राशन कार्ड धारक हैं? मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बात की जाए, अब रेखा आर्य ने जिस मोर्चा संभाला क्योंकि लगातार लंबे समय से उनको विभागीय तौर से यहाँ पर खामियां नजर आ रही थी और उन्होंने इस पर कार्रवाई करी। हालांकि अभी कोई आंकड़ा नहीं जुटा पाई है यहाँ पर विभाग की तरफ से और खुद यहाँ पर जो मंत्री रेखा आर्य, अब लेकिन उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है और अब उन्होंने कहीं ना कहीं कार्रवाई कर दी। उस पर एक टोल फ्री नंबर भी कहीं ना कहीं उनकी तरफ जारी किया जाएगा क्योंकि जो एपीएल कार्ड धारक है और जो बीपीएल कार्ड धारक है वो फायदा ले रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं यहाँ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है और एक अभियान चाहिए, अभियान कहीं ना कहीं चलाने की बात की जा रही है, उसमें अगर कोई पात्र गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत उन्होंने कहा है कि अगर कोई ऐसे पात्र है जिन्होंने गलत तरीके से कार्ड बनाया तो अपने कार्ड जमा करा दें, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जानी है। आंकड़ा अलग अभी नहीं आया लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई होती है तो आंकड़ा यहाँ पर सामने आ सकता है और जो इस तरह की जो फायदे ले रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं यहाँ पर गाज गिरनी यहाँ पर कहा जा सकता है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित चौधरी तमाम जानकारी के लिए। तो जो लोग अपात्र हैं फौरन राशन को सरेंडर कर दिए, वन्य कानून के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, नेशनल हाईवे के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। नेशनल हाईवे के लिए 2000 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी ने वार्षिक योजना में 7044 करोड़ रुपए की मांग की थी। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने हैं कई महत्वपूर्ण काम और इसके लिए राशि की जरूरत है। सुधारीकरण चौड़ीकरण के लिए बजट का इस्तेमाल किया जाएगा और 2000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। पीडब्ल्यूडी ने वार्षिक योजना के लिए हालांकि 7000 करोड़ की राशि मांगी थी, लेकिन 2000 करोड़ रुपए की अभी मंजूरी मिली है और इन सब का उपयोग किया जाएगा। सुधारीकरण होगा, चौड़ीकरण के लिए बजट का इस्तेमाल किया जाएगा। और अब चंपावत उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है, सपा भी तैयारी में है, समाजवादी पार्टी भी उपचुनाव में प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एसएन सचान ने लिस्ट भेजी है, उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का पैनल भेजा गया है। 3 नामों का पैनल राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा गया है। आपको बता दें कि चंपावत में उपचुनाव होने 31 तारीख को और सीएम धामी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अलावा इस बार सपा भी ताल ठोकती नजर आएगी। 3 नामों का पैनल राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया गया है। उसके बाद अखिलेश यादव को तय करना है कि आखिर कौन सा प्रत्याशी है जो सीएम धामी के सामने उतारा जाएगा। हालांकि विधानसभा चुनाव में साइकिल कुछ कमाल नहीं कर पाई। तो 3 नामों का पैनल राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया गया है। नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। चंपावत उपचुनाव के लिए सपा भी तैयार है, समाजवादी पार्टी भी उपचुनाव में प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एसएन सचान ने लिस्ट भी तैयार कर ली है, उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का पैनल भेजा गया है। 3 नामों का पैनल राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया गया है। आपको बता दें कि सीएम धामी यहां से उपचुनाव लड़ रहे हैं चंपावत से और उनके सामने कौन लड़ेगा सपा की तरफ से, इस बात का ऐलान जल्द किया जाएगा। और अब हादसे की बात करते हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पद्मनी निवास के पास एक निजी बस बेकाबू होकर एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी, वहीं उसकी चपेट में एक कार भी आ गई। बस में सवार 30 छात्र और 3 शिक्षक समेत बस का कंडक्टर और ड्राइवर इसका शिकार हो गया। इसमें से 2 शिक्षक और 5 छात्र घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को बस से रेस्क्यू करके निकाल लिया गया। वहीं घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि बस के गिरने के तुरंत बाद सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि बस एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी थी। इसमें फंसे बच्चे चिल्ला रहे थे। इसके बाद बस के शीशे तोड़कर बस में फंसे लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया। बस में 34 लोग थे, तो ये बच्चे हैं, बीटे के बच्चे हैं। ये लोग मुजफ्फरनगर से आए थे, घूमने के लिए आए थे मसूरी, तो बाद घूमने के बाद ही वापस जा रहे थे। तो बता रहे कि इन्होंने भी बताया, सब लोगों से हमारी बात हुई तो ड्राइवर ही बता रहे कि ब्रेक फेल हो गए थे जिस वजह से बस नीचे खाई में चले गई और बच्चे, बाकी कोई कैजुअल्टी नहीं है। बच्चे 2-4 बच्चे हैं जिनको हल्की फुल्की चोटें लगी है। 108 के माध्यम से इनको हमने हॉस्पिटल भिजवा दिया है और हॉस्पिटल के बाद ये लोग अपनी तैयारी करें, इनको अपना वापस जाना है, बाकी कोई कैजुअल्टी नहीं है। मैं आया तो देखा कुछ लोकल जो लोग लड़के हैं हेल्प करने के लिए यहाँ पर थे। ये लोग बहुत डरे हुए थे। जब हमने किसी को गाड़ी वाड़ी ऐसे निकाला तो एक दो लड़के थे जिनके थोड़ी ज़्यादा नाक से खून आ रहा था कि वो चिल्ला रहे थे। हमने पहले उन्हें बोला आप शांत हो जाओ, तो आपकी जो भी हेल्प कर पाएंगे। फिर मैंने अपनी मसूरी पुलिस जो हमेशा हमारे लिए तत्पर रहती है उन्हें कॉल की, तो वो भी मौके पे आ गए थे। उन्होंने 108 को कॉल की। इसमें जितने भी बच्चे कोई स्टूडेंट ग्रुप है हमने उनको निकाल लिया सुरक्षित, थोड़ी बहुत चोटें उनको वहाँ पर भेज दिया। मसूरी से लौट रहे बच्चे ये मुजफ्फरनगर के SD इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक के बच्चे हैं।
ये काफी बड़ा मोड़ है, इसमें मुझे लगता है ड्राइवर की असावधानी से या कुछ ब्रेक की कोई इशू रहा होगा, तो पैराफिट तोड़ते हुए बस नीचे गई है। इतफाक से बस जो नीचे है वो भी एक सड़क थी, तो आधा हिस्सा नीचे वाली सड़क पे, आधा हिस्सा ऊपर की सड़क पे है। इसमें 7 लोगों को मामूली सी चोटें आई, 2 उसमें थोड़ा सा ज्यादा चोटें हैं, वो डॉक्टर साहब ने देख लिया है हमने हॉस्पिटल। संपत्ति के लालच में एक शख्स ने अपनी बुजुर्ग माँ को घर से तो बाहर निकाल ही दिया, वहीं 3 बहनों को भी घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके चलते आज 3 युवतियां सड़कों पर धक्के खा रही हैं और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। लेकिन पुलिस भी इस मामले पर मूक दर्शक बनी बैठी है। मामला राजपुर थाने के बॉडीगार्ड नई बस्ती कैनाल रोड का है, जहाँ पर 3 बहनें न्याय की गुहार लगाने के लिए थाना राजपुर पहुंची और उन्होंने बताया कि उनका सगा भाई रंजीत त्रिपाठी, जो सशस्त्र सीमा बल में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं, और उसने उनका मकान कब्जाने की नियत से उनकी 72 साल की मां और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। वहीं अपने परिवार के साथ पिछले 1 सप्ताह से घर के बाहर टेंट लगाकर उसमें रह रहे हैं। 3 बहनों का यह भी कहना था कि वो 3 अपनी बुजुर्ग और बीमार माँ का सालों से इलाज करा रही है, लेकिन उनका भाई कभी भी उनकी खैर खबर लेने नहीं आया और आज मकान कब्जाने के लिए उन सबको घर से बाहर कर दिया, लेकिन उनकी गुहार ना तो प्रशासनिक अधिकारी और ना ही पुलिस सुन रही है। साथ ही इस संबंध में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिला अधिकारी को भी लिखित रूप से अवगत कराया जा चुका है। मेरे बड़े भाई ने मेरे घर पे आके कब्जा कर लिया है और ये घर मेरे नाम से है, ये पट्टे की ज़मीन है सर, और मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ और मेरी मम्मी जो है वो 72 साल की हैं और उनकी पूरी देख रेख सर मैं ही करती हूँ। और मेरे हमारा एक गोरखपुर में भी घर है जो कि रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी है, 10 बीघा खेती, और मेरे भाई ने वहाँ की ज़मीन बिना मेरी मम्मी को बताए, बिना हम लोग से, हम 3 बहनों को बताए, अपने नाम करा ली और अब वो इसके बाद यहाँ पर आके कब्जा कर रहा है। हमने सर को हर जगह, हम लोग ने पुलिस में कंप्लेन करी, हर जगह कंप्लेन करी सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। भारत सरकार की सेवा करता है और वो अचानक अपने बीवी बच्चों को लेकर एक टेंट लगाकर किसी के घर में घुस जाता है, तो ये तो गैर कानूनी है और मैं समझता हूँ कि ये ऐसे होना नहीं चाहिए, अन्याय है। और एक बुढ़िया माता जी को यहाँ पर बाहर निकालना और ये तो बहुत गैर कानूनी, ये तो एक मानव धर्म भी कहता है कि ये बिल्कुल इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाए। मेरे SSP साहब से या जो भी हमारे पुलिस के आला अधिकारी या शासन प्रशासन के आला अधिकारी, उनसे मेरा निवेदन है कि इस परिवार को पीड़ित तो परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मैंने इनके भाई को कभी तक देखा नहीं अभी तक यहाँ पर आज तक, ठीक है ना, अब एकदम से आगे हैं मेरे पास ये आए थे बहन, उन्होंने कहा कि हमारे भैया हैं जो पुलिस में है, इसमें मेरे क्या में है SSB में, ठीक है ना, तो आके जबकि वो छुट्टी लेके आ रखे हैं तभी भी ड्रेस में घूम रहे हैं, ठीक है ना, वो कोई तुक नहीं बैठता कि आप ड्रेस में घूमो कहीं भी, आपको बात करनी है, आप आराम से बात करो आके। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही, तमाम अहम खबरें देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, खबरें आगे जारी रहेंगी।